इस वक्त जंग में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अवामी ताकत जो अवामी जलसा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी उनसे खिताब कर रहे हैं। मोहब्बत मोहब्बत वेख के तुहाड़ा प्यार वेख के इना खुश होया कि मैनू लगदा कि मैनू मखदूम साहब की दुआ लग गई है। मैं मखदूम साहब को फसल साले हयात को दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपने खानदान में वापस आने पे खुशामदेद कहता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनसे और मैं इसे अर्ज करता हूँ कि ये हमारी वाइस प्रेसिडेंटशिप कबूल करें, हमारे साथ हाथ में हाथ देके चलें और हम इस दफा इंशाल्लाह पंजाब को फतह करें। इस दफा हमने किला पंजाब का फतह करना है, इस दफा हमने शरीफों को मिटाना है। इनके ये धोखे, इनके धोखे वायदे और ये आरओ इलेक्शन को एक्सपोज करना है। मखदूम साहब एक्शन इलेक्शन हारे नहीं थे, उनको आरओज ने हराया है। हम इलेक्शन पहले भी नहीं हारे, हमें आरओज ने हराया है। मगर ओ आरओज, ये देखो कि तुमने कौम के साथ क्या किया, इस धरती के साथ क्या किया, इशा जीवने की धरती के साथ तुमने क्या किया। इसके साथ ये हुआ कि ना यहाँ पानी है ना बिजली है, कर्ज इनका दुगना हो चुका है। इस अवाम के साथ तुमने क्या किया, ये अवाम जिसकी खातर हमने जीना भी है और हमने मरना भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हजारों शहीदों को अपने जिगर से लगा के, उनका गम लगा के, उसके बावजूद खपे पाकिस्तान का नारा मारा है। हमने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को भी दफन किया है, हमने शाहनवाज शहीद को भी दफन किया है, मुर्तजा शहीद को भी दफन किया है और अपनी बीवी को भी दफन किया है और फिर भी कहा है कि हमें पाकिस्तान खपे और हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को समझते हैं, हम पाकिस्तान को चला सकते हैं, हम आगे लेके जा सकते हैं। आज सिंध ने, सिंध की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, गो नवाज गो का। तो आप समझें कि जिस तरह हमने मुशर्रफ को घर भेजा था, अब इंशाल्लाह हम नवाज को घर भेजेंगे। मगर मियां साहब, तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी जाओगे, मैं बता रहा हूं। और मुझे पता है कि उस घर में आप कितने बहादुर हैं। वो तब जब आप गए थे, उस जमाने की चीखों की और रोने की आवाजें आज तक सिंध में सुनाई देती हैं। मैं आपको शाह जीवने की धरती से कह रहा हूं कि पंजाब को, पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, केपीके को और सिंध को आपसे निजात चाहिए। आपके काम नहीं होते, आपसे कुछ नहीं होता सवाए आप पाए खाने के, और कुछ नहीं कर सकते सवाए रोटियां तोड़ने के, वो भी सरकारी रोटियां। आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाएं और जाके दोबारा
या तो फिर मदीने चले जाएं या फिर आए आपको हम लांडी जेल में दोबारा खाना भेजने के लिए मैं तैयार हूं। मियां साहब कुछ तो हया करें, कुछ तो गरीबों पे रहम करें। और पनामा गेट इतने महीने अगर लग के यही करना था तो ये एक हफ्ते की बात थी। इतनी दूर क्यों की, इतनी देर क्यों की? मगर मैं अब भी कहता हूं कि हम हर तरफ से आपके पीछे लगे रहेंगे। जब तक आपको निकाल के नहीं रहेंगे, हम आपके पीछे लगे रहेंगे। इसलिए कि मेरी आवाम चाहती है, ये मेरा पहला जलसा है मियां साहब आपके खिलाफ। अभी तो मैं इब्तदाए इश्क किया है, आप देखिए आगे क्या होता है। यहाँ तो मैं मजदूम साहब की दुआ लेने आया हूँ, आप दोस्तों की दवा लेने आया हूँ और आपके साथ मिलके इनकी दवा करने आया हूँ। इनके लिए मैं दवा हूँ। अगर ये नहीं गए तो आप देखिएगा इनके जितने शोबाज के नारे हैं, जितने ने नारे मारे थे, मैं वो नारे तो नहीं दोहराऊंगा, आपको सब याद हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक के बेईमान हैं। इनने हर किस्म की बेईमानी की है, इन हर किस्म से कौम का हक लूटा है। हम इनसे कौम का हक वारिस लेंगे, कौम को बताएंगे, कौम के पास जाएंगे। मैं मर्दान जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सिलाई निकल रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में लिख लूंगा और मखदूम साहब मेरे साथ साथ होंगे। हम पूरे पंजाब में निकल के इनको घर ग्रह के रहेंगे। और मेरे भरावो तुसारी बड़ी मेहरबानी, तुसा आए वे, तुसा मेरे को इज्जत दी वे, मैं तुसा को मेहरबानी आता। बिस्मिल्लाह, जिए भट्टो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जंग में